दोस्तों नमस्कार मैं आप लोगों को जुलाई 2020 का डाटा शेयर करने जा रहा हूं जो ट्रेंड है जुलाई 2020 का वो थोड़ा सा अपर साइड रहेगा एज पर द प्लानटरी पोजिशन मैं यहां पर जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं निफ्टी लेके चलूँगा इस बार नॉट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो जो कैलकुलेशन निकल के आ रही हैं इट इज इंडिकेटिंग कि वन निफ्टी अप रहने के योग हैं इस मंथ में जुलाई में लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भी ऐसा कोई टूल नहीं बना है किसी भी टेक्नोलॉजी में जो कि शेयर मार्केट का एग्जैक्ट डाटा कोई शेयर कर सके कि किस दिन मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी ये भी मैं आप लोगों को जो भी दे रहा हूँ इट्स माई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेकिन इसके साथ आप अपने एनालिसिस भी ज़रूर करें अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी दिया है मेरा कुछ लोग अगर देख नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो का टाइटल था हंड्रेड इयर्स के जो मैंने एनालिसिस किए थे शेयर मार्केट के जिसमें आई है मेंशन कि फिफ्थ ऑफ जुलाई के बाद एक डिप्रेशन की स्थिति स्टार्ट होने वाली है लेकिन वो स्थिति मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं की है जिसमें कि कुछ डेट्स में मैंने हल्का सा ट्रेंड उसका ऑब्जर्व करके उस हिसाब से ही मैंने प्रोडिक्शन दी हैं सो so, दोस्तों आप फर्स्ट ऑफ जुलाई का नोट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ़ जुलाई को मार्केट जो है निफ्टी की बात करूं तो कुछ बढ़त के साथ क्लोज़ होगा जो कि मैं डाटा भी दे देता हूं दस हज़ार चार सौ के करीब सेकेंड ऑफ जुलाई को फिफ्टी पॉइंट डाउन रहने के संकेत बने हुए हैं थर्ड ऑफ जुलाई को 10,500 क्रॉस करने के योग बने हैं निफ्टी के जो कि 10,700 तक जा सकता है चार और पाँच तारीख को छुट्टी है छ तारीख को सोना और चांदी जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं सोना और चांदी बढ़ बढ़ने के योग बने हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल रहेगा ना ज़्यादा आप ना ज़्यादा डाउन आप ऐसे कह सकते हैं कि 50 पॉइंट अप एंड डाउन रहने के भी संकेत बने हैं सात और आठ तरीक को ये ट्रेंड ऐसे ही बना रहेगा लेकिन ये जो समय है इसमें जो लोग भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स नॉट शॉर्ट टाइम जो मीडियम टाइम इन्वेस्टर शॉर्ट टाइम हम उनको कहते हैं जो इंटरडे करते हैं तो लॉन्ग टाइम एंड और कम कम समय वाले लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं है इन दिन इन दो दिनों में ट्रेड करना सेवेंथ एंड एट्थ ऑफ जुलाई नाइन्थ ऑफ जुलाई में वक्री बुध पूर्व से उदय होंगे और जिसमें कि गोल्ड डाउन रहने के योग हैं और शेयर मार्केट ऊपर ही क्लोज़ होगी तो जो लोग गोल्ड बाई करना चाहते हैं इस टाइम पे गोल्ड बाई करने का ये सब सही समय दिखाई देता है टेंथ ऑफ जुलाई को 50 पॉइंट अप रहने के योग बने हुए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं 12 जुलाई छुट्टी है उस दिन लेकिन 12 जुलाई को बुध मार्गी होंगे और सूर्य बुध राहु की युति बनी हुई है एक ही राशि पे और मंगल की दृष्टि बनी हुई है जो ये दर्शाता है कि जो बैंकिंग के शेयर्स हैं थर्टीन ऑफ जुलाई को जो बैंकिंग के शेयर्स रहेंगे हो सकता है वो जब मार्केट ओपन हो तब वो डाउन रहें लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ शेयर्स क्लोज होंगे ऐसा टिप मैंने मेरे जून के वीडियो में भी दिया था जिसमें कि एटीनथ ऑफ जून की डेट थी और कुछ मैसेजेस आए भी थे एज पर माई टीम मेम्बर दे हैव टोल्ड मी कि 18 जून को कुछ लोगों के मैसेज आए थे जिनको कि बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ था तो सेम सिचुएशन थर्टीन थ जुलाई को भी बनी हुई है चौदह जुलाई की बात करते हैं तो न्यूट्रल ट्रेंड रहेगा और इसमें अराउंड uh, कह सकते हैं कि फिफ्टीन पॉइंट मार्केट डाउन के संकेत बनते हैं हल्का सा पंद्रह से पचास के बीच में सोलह तारीख की बात करें तो सूर्य कर्क राशि में ट्रांज़िट करेंगे इस दिन और शनि और सूर्य का सम सप्तक योग बना हुआ है सिक्सटीन ऑफ जुलाई को जो कि सोना और चांदी और जो लोग क्रूड ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इनमें तेज़ी रहेगी तो जैसे मैंने बताया भी कि सोना चांदी डाउन भी होंगे मैंने एक डेट दी थी पीछे नाइन्थ ऑफ जुलाई तो जो लोग इस इस समय बैटर रहेगा कि नाइन्थ ऑफ जुलाई को आप बाई कर लें एंड सिक्सटीन जुलाई को सेल भी कर सकते हैं जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं और साथ में सिक्सटीन ऑफ जुलाई की ही हम बात करें तो सडन अप एंड डाउन होने के बहुत ज़्यादा योग बने हैं बिकॉज सूर्य सूर्य शनि का जब समक सम योग बनता है तो मार्केट अचानक ऊपर नीचे सो बहुत ही एक कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति रहती है और ये इंट्राडे करने वालों के लिए इट्स माय एडवाइस कि बी केयरफुल ऑन दिस डे 17th ऑफ जुलाई नॉर्मल ट्रेंड 50 पॉइंट डाउन रहने के संकेत हैं और अगर हम आगे बढ़ते हैं नाइनटीन की छुट्टी है सूर्य पुष्य नक्षत्र में नाइनटीन को भ्रमण करेंगे और हम 20 तरीक पे आ जाते हैं अभी 20 तरीक को मार्केट अप रहेगी एंड uh, मतलब कह सकते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग होगी अप के साथ होगी लेकिन थोड़ा सा लिटिल डाउन के साथ क्लोज होगी बहुत ही कम डाउन के साथ ऐसे योग हैं और हम आगे 22 जुलाई की बात करूंगा मैं राहु मृक्षरा नक्षत्र तीसरे चरण में उस दिन मूव करेंगे और मूला नक्षत्र केतु मूला नक्षत्र प्रथम चरण तो ये अचानक शेयर में तेजी दे देते हैं शेयर मार्केट में तो 22 तरीक का जो समय है ये अच्छा दिखाता है ताकि पीछे कम रेट में बाई करके 22 तारीख तरीक को क्लोज किया जाए डिलीवरी को 23 ऑफ जुलाई शुक्र मृक्षरा नक्षत्र में उस दिन भ्रमण करेंगे और राहु ऑलरेडी मृक्षरा नक्षत्र में है तो ये आपस में एक ही नक्षत्र में संबंध बनाएंगे राहु और शुक्र का एक ही नक्षत्र में संबंध होने का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में तेजी इन द सेंस कि जो शेयर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं सॉफ्टवेयर या तो प्रोडक्ट सेलिंग या तो सर्विस सेलिंग मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं ट्वेंटी थर्ड को योग बने हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाएंगे चौबीस को न्यूट्रल रहने के योग बने हुए हैं ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे हल्का सा मार्जिन फिफ्टी के आजू बाजू पच्चीस तरीक को मार्केट हंड्रेड पॉइंट अप रहने के संकेत बने हुए हैं छब्बीस तरीक की छुट्टी है दोस्तों एंड सत्ताईस तरीक को बुध प्लानट पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण करेंगे ट्रांजिट करेंगे और साथ में गुरु ऑलरेडी बकरी चल रहे हैं तीस जून से चल रहे होंगे और जो कि पूर्वा शाढा नक्षत्र में उस दिन मूव करेंगे जो कि ये बताता है कि जितने भी टाइप के मेटल्स हैं सोना चांदी, सिल्वर या डेफिनेटली चांदी सिल्वर और कॉपर आयरन जितने भी मेटल्स हैं सो so, ये डाउन होने के संकेत दिखाई देते हैं और ये जो मैं बात कर रहा हूं 26 को छुट्टी है मैं 27 की प्रडिक्शन दी है मैंने अभी अभी आपको 27 जुलाई की 28 29 30 50 से 100 पॉइंट्स अप रहने के योग बने हैं ऑल टुगेदर तीनों दिन और 31 जुलाई इस दिन वकरीद है दोस्तों और वकरीद की छुट्टी है सो so, आप लोगों को वक़रीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैसे कि मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों को जून का जो मैंने दिया था डेटा कि आई ट्राई माय बेस्ट कि अगस्त से जो मैं प्रोडिक्शन दूँ आप लोगों को मेरी कोशिश रहेगी कि वो कम से कम 95 फाइव परसेंट मैच करें करें इट्स मेरी कोशिश रहेगी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ मार्केट ऐसी है कि इसके बारे में कुछ भी प्रोडिक्ट किया जा सकता बिकॉज अभी तक मैंने जितनी भी प्रोडिक्शन दी हैं मंडे इन एस्ट्रोलॉजी में इनफैक्ट मैंने सात ऐसी प्रोडिक्शन दी हैं भूकंप के बारे में जिनमें मैंने डेट तक भी बताई है और उन डेट्स को एग्जैक्ट उन्हीं डेट्स को भूकंप हुए हैं लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा सा कहना बहुत मुश्किल हो जाता है थैंक यू धन्यवाद वंदे मातर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित तो और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें